करेक्ट का निशान लगाएंगे, यानी सही का। हमारा होर, होर क्या है? बहुवचन। मैंने जैसे बताया कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में होते हैं, जैसे आपका होर जो शब्द है वह बहुवचन है, इसमें क्या करोगे आप? करेक्ट का निशान लगाओगे। प्राण, अगर प्राण को क्या बोलते हैं? प्राण निकल रही है, तो थोड़ी ना बोलते हैं प्राणों निकल रहे हैं। तो जो प्राण वर्ण है यह भी हमेशा एक वचन में रहता है, यह एक वचन में नहीं रहता बेटा, सॉरी ये रॉन्ग होगा आपका। प्राण यहाँ पे आपने ब्रैकेट में दिया है एक वचन, इसको आप क्या करोगे? रॉन्ग, यह एक वचन नहीं है। हमारा नेक्स्ट है आशु, जो जो कि बहुवचन में है, यानी यहाँ पर आप राइट का निशान लगाओगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आओ करें सिक्स, दिए गए वाक्यों के आगे सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिनका प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर होता है, जैसे कि वाह, तुम है, क्या है ये सारे शब्द? उसका सर्वनाम है ना, यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर क्या आएगा? राइट का चिन्ह आएगा, यानी आप सही का निशान लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह शब्द का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है? नहीं, यानी वह शब्द का प्रयोग जो बोलने वाला वक्ता होता है वह सुनने वाले के लिए नहीं करता। क्या आएगा? क्रॉस का निशान आएगा। हम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है? राइट, करते हैं कि नहीं? हम खेलने जा रहे हैं या हम घूमने जा रहे हैं तो हम अपने लिए करते हैं कि नहीं करते? बोलने वाला जो व्यक्ति होता है वह स्वयं के लिए हम शब्द का यूज करता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? करेक्ट निशान आएगा। बेटा हमने इसके आओ पर एक बार सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सारे क्वेश्चन कर दिए, सेवन क्वेश्चन एंड एट क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है जो आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में सेल्फ करना है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो उसे मैं करवा दूंगी, लेकिन आप सेल्फ उसे करने की कोशिश करोगे। ये आपको होमवर्क है, आओ करें सेवन एंड आओ करें एट। ओके स्टूडेंट।